बैतूल जिले के चिचोली थाना क्षेत्र के ग्राम पात्री में 40 वर्षीय महिला सुनीता पत्नी भैयालाल इवने का शव गाय के गोबर से लीपा पोता मिला है। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पीएम रिपोर्ट के अनुसार महिला की चार पसलियां टूटी हुई है और महिला के लीवर को पंक्चर कर उसकी हत्या की गई। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कल दोपहर 2 बजे करीब ग्राम पात्री से डायल 100 पर एक कॉल आया था कि यहाँ पर एक महिला संदिग्ध परिस्थितियों में मरी पड़ी है। उस सूचना पर मैं करीब शाम को 4 बजे ग्राम पात्री पहुँचा था। वहाँ सुनीता पत्नी भैयालाल इवने उम्र 40 वर्ष ये अपने घर के अंदर मृत हालत में पड़ी हुई थी। इसके शरीर देखने पर इसके शरीर पर मामूली चोटें नज़र आ रही थी। इसका पति बेहद शराब पिए हुए था जो कुछ भी बताने में असमर्थ था। तब कोटवार के बताने पर उसकी रिपोर्ट पर मर्ग पंजीबद्ध किया था, FSL पार्टी को बुलाकर मुआयना कराया था। पंचनामे के वक्त बाह्य तौर पर कोई ऐसी चोट नज़र नहीं आ रही थी कि जिससे ज्ञात हो सके कि इसकी मृत्यु किस चोट के कारण हुई है, लेकिन मामूली चोटें दिखाई दे रही थी और पूरे शरीर पर गोबर भी लिपटा हुआ था। पोस्टमार्टम कराया गया, डॉक्टर ने बताया कि दाहिनी तरफ की चार पसलियां टूटी हुई हैं और जो अंदर की तरफ घुसकर लीवर को उन्होंने पंक्चर कर दिया जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। मर्ग जांच पर से हमने 302 हत्या का अपराध पंजीबद्ध अज्ञात आरोपी के विरुद्ध कर लिया है। हम आरोपी की पतारसी कर रहे हैं, विवेचन कर रहे हैं। तो किसी को लाया भी था सर ऐसी? उसके पति को हम संदेह के आधार पर लेकर आए जिससे हम पूछताछ कर रहे हैं।